हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को आज यानी मंगलवार को 8 दिन हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, लेकिन इससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम कंटिन्यू ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे। जो हमारी जॉब सिक्योरिटी है और जो हमारी नियमित करने की पॉलिसी है, वो सरकार को माननी ही पड़ेगी। हमारा मेन तनखा इतना कम है सर, जिसमें हमारा रोज आने जाने का खर्चा, चाय का खर्चा होता है 6,500 में। आप पूरे हरियाणा के अंदर जाके देख लीजिए, आज किसी भी कर्मचारी का वेतन हमारे से कम नहीं होगा। जितना कम हमारा शोषण हो रहा है, दुनिया में किसी का शोषण नहीं। ये सरकार बिल्कुल गलत है। हम इसमें ना हमारे वोट देंगे, ना हमारे एनएचएम कर्मचारियों को देने देंगे। और जब हमारा जब तक समाधान नहीं होगा, हम अनिश्चित रूप से धरने पर जारी रहेंगे और हम अपनी बहन और भाइयों को साथ ऐसे ही लाते रहेंगे जहाँ तक जरूरत पड़ेगी। हमारी बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटी बचाओ। वही कांग्रेस की सीएलपी लीडर किरण चौधरी आज धरनास्थल पहुंचे और कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। किरण चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों के कारण धरने और प्रदर्शन पर है। किरण चौधरी ने धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगे मान लेनी चाहिए। देखिए, जो इन्होंने मेरे को बताया है उससे तो जो जिस तरह से इनको, एक तो जॉब पे स्केल्स जो हैं इनके बहुत लो हैं, 70% जो है ये सारे काम करते हैं, और जो ये अलाइड सर्विसेज हैं पूरी की पूरी हेल्थ सर्विसेज जो हैं, उसके अंदर जो है इनको और बढ़ावा जरूर देना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ 30% अगर जो है रेगुलर स्टाफ है और 70% ये लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, और फिर इनको अगर इक्विवेलेंट पे स्केल्स नहीं दे सकते, तो इनका जो भी है पे स्केल्स वो बढ़ाना चाहिए। मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ इस बात का। इसके अलावा किरण चौधरी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के कर्मचारियों की सुनवाई और कर्मचारियों की हर जायज मांग पूरी होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। इंडिया एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।